जीवन में जिन्हें ठाकुर जी के दर्शन करना है अपनी तड़प बढ़ाइएगा। मैं प्रार्थना करूं आप सबसे, अगर आपकी तड़प प्रबल हो गई तो हमारे माधव जरूर सुनेंगे। कथा मैं आपको बताता हूं, कथा बड़ी मीठी है, बहुत बार बार हृदय को हमारी झंझोड़ती है। महाराज एक संत थे, संत वन में रहते थे। कहाँ रहते थे? वन में। संतों को वन में ही रहना चाहिए, भवनों में फंसे तो गड़बड़ में, हाँ फिर हत्या होती है। भवनों में नहीं, संतों को वन में रहना चाहिए। तो वो महात्मा भवन में नहीं, वन में रहते थे। वन में प्रभु का नाम जप करते थे, राधा नाम जप करते थे। उसी समय महाराज एक फसिया शिकारी, शिकारी जानते हो, शिकार करने वाला शिकारी, उस वन में गया। बरसात का मौसम हो गया, बारिश होने लगी, सब जगह गीला हो गया, उसे शिकार नहीं मिला। बेचारा भूख से तड़पने लगा, रास्ता भूल गया, बुद्धि काम करना बंद कर दी उस शिकारी की। शिकारी की बुद्धि काम करना बंद कर दी, शिकारी भागता भागता उसी संत की कुटिया में पहुंच गया। संत ने उसकी हालत देखी तो बेचैन हो गए। मानव वही है जो दूसरों का दुख देख करके खुद द्रवीभूत हो जाए, इंसान वही है, इंसान वही कहलाता है जो देख इंसान के दुख को रोए, दूसरे का दुख देख कर जिसका हृदय ना पिघले वो मानव नहीं दानव समसो। इंसान वही जो दूसरे का दुख देख करके द्रवीभूत हो। और ये कला केवल मानवों में है, ये कला मानवों में है, दूसरों का दुख देख करके दुखी होना दानवों में नहीं है। और जो व्यक्ति दूसरे का दुख देख करके दुखी नहीं होता श्रीमान, वो नंबर एक का दानव है। मानव अपने लिए जो जीता वो मानव नहीं दानव है। पैसा लेकर के जो केवल स्वार्थ पैसे के लिए जीवन जीता, या कृपा करता, या चमत्कार करता, या काम करता, या राजनीति करता, या व्यापार करता सिर्फ पैसे के लिए, वो मानव नहीं, पैसे का पुजारी नंबर एक का दानव है। जो व्यक्ति जो मानव व्यापार तो करता है पर इंसानियत अपने दिल में जिंदा रखता है, वो जीते जी ही एक मानव है। तो संत को दया आ गई, लाग दया कोमल चित संता, संतों का तो हृदय कोमलमय होता है। संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय बड़ा कोमल होता है। संत को दया आ गई शिकारी की दशा देखकर, है वो शिकारी जीवों को मारता है पर संत को दया आ गई। संत ने भोजन खिला दिया, प्रसाद पवाया, पानी पिलाया, सिर पर हाथ फेरा, फिर पूछा बेटा कैसा लग रहा? शिकारी बोला महाराज अच्छा लग रहा। कुछ देर हुई, शिकारी का प्रेम बढ़ गया साधु से। शिकारी ने पूछा महाराज आप कौन हैं? संत ने पूछा इसे क्या बताएं, ये क्या समझेगा कि हम कौन हैं? संत ने कहा कोई नहीं, तुम बताओ तुम कौन हो। ध्यान से सुनना, बड़ी प्यारी कथा है, आपके हृदय को झंझोरी थी। संत बोले तुम अपना परिचय बताओ, तुम कौन हो? शिकारी ने कहा मैं शिकारी हूं। अच्छा क्या करते हो? जीवों को फंसाता हूं। संत बोले मैं भी शिकारी। संत ने कहा जैसे को तैसा, सठे साठ्यम समाचरे। संत ने कहा मैं भी शिकारी हूं। तो दूसरे जो शिकारी वास्तविक शिकारी था उसने कहा था आपको किसकी चाह है? बोले हम भी एक शिकार की तलाश में बैठे, आज तक नहीं मिला। शिकारी ने कहा कौन सा शिकार? बोले हमारा शिकार थोड़ा अलग है, मोर मुकुट पहनता हमारा शिकार, हमारा शिकार पीतांबर पहनता, हमारा शिकार बांसुरी लेता, हम उस शिकार की तलाश में 20 साल से बैठे। शिकारी को लगा कि कोई प्रजाति होगी जानवर की। शिकारी बोला आप चिंता ना करें, मैं प्रण लेता हूं, आपने मेरे प्राण बचाए, मैं प्रण लेता हूं जब तक आपका शिकार अपने जाल में फंसा करके नहीं लाऊंगा तब तक जल नहीं पीऊंगा। गया शिकारी। साधु ने कहा ये तू ये प्रण वापस कर, वो नहीं मिलने वाला, वो नंबर एक का छलिया है, वो नहीं मिलने वाला, छलिया है, छलेगा, आज तक मेरे जाल में नहीं फंसा। शिकारी ने फुल कॉन्फिडेंस से कहा कि आज तक कोई भी जीव मेरे जाल से बच नहीं पाया। ठीक है जा। गया शिकारी महाराज, वन में गया, निर्झर वन में।
एक जगह जाल फंसा करके बैठ गया। महात्मा ने बता तो दिया था, मोर मुकुट पहनता, पीतांबर पहनता, हाथ में बांसुरी लिए रहता, अब दिखने में सांवला सा है, सुंदर लगता है, आवाज कुछ नहीं निकालता, बांसुरी बजाता, उस शिकार की जरूरत है। बैठा रहा दिन भर। एक दिन बीत गए, दो दिन बीत गया, तीन दिन बीत गए, चार दिन बीत गया, पर वो शिकार नहीं मिला। रोने लगा, यहां देखे पेड़े पर चढ़े, वहां देखे कोई आहट सुनाई दे तो भागे उसके पीछे, पर वो शिकार नहीं मिला। छह दिन हो गए, सात दिन हो गए, कंठ सूखने लगा, शरीर जवाब देने लगा, क्योंकि प्रण लिया था पानी नहीं पीऊंगा। सातवें दिन उसने सोचा अब तो मरना निश्चित है और मैं गुरु के पास खाली हाथ नहीं जाऊंगा। तब तक हमारे माधव ने सोचा बेचारा गुरु भक्ति में क्यों मर जाए, हमारे गोविंद तत्क्षण उसके जाल के सामने ही बांसुरी बजाते हुए मोर मुकुट पहन करके पीतांबर पहन करके खुद जाल में आकर के फंस गए। और जहां फंसे तो ये सोने ही वाला था, देखा जिस शिकार की जरूरत है वो हमारे जाल में, उसने तुरंत बांधा, लटका लिया, लटका करके बाहर दरवाजे से आवाज लगाई गुरुदेव की कुटिया में, गुरुदेव, हाँ गुरुदेव, देखिए हम आपका शिकार ले आए। गुरुदेव ने सोचा हम 20 साल साधना कर रहे, राधा राधा विठल विठल माधव माधव गा रहे, आज तक वह कन्हैया की एक झलक नहीं दिखाई दे रही है, कह रहा कि हम शिकार ले आए, वाह मेरे शेर। गुरुदेव ने अपनी झोपड़ी का पल्ला खोला और जब देखा तो गुरुदेव चकित रह गए, हमारे सांवरे मनमोहन उस फसिया के शिकारी के जाल में फंसे थे, द्रवीभूत हो गए, रो पड़े, जल्दी से जाल से मोहन को निकाला, पांव पकड़ के गुरुदेव ने, संत ने पहला प्रश्न किया, महाराज हम तो 20 साल से भजन कर रहे, हमें हमारे शिकार में नहीं फंसे, हमारे जाल में नहीं फंसे, दर्शन नहीं दिए। माधव ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, पता है क्या जवाब दिया, हमारे ठाकुर जी बोले महात्मा साधु तुम्हारे अंदर उतनी तड़प नहीं थी जितनी इस शिकारी के हमारे लिए तड़प। कथा सिखाती है मोहन का मिलना कठिन नहीं है, मोहन का मिलना कठिन नहीं है, अपने अंदर तड़प पैदा करना कठिन है। कौन कौन चाहता कि हम माधव को पालें, तो आपको नाम गाना पड़ेगा।